नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम संगीता गुप्ता है। मैं आज आपको इस में आपके होम साइंस की जो आपके एनटीए की तैयारी करा रही हूँ, इसमें मैं आपके लिए परंपरागत जो वस्त्र एवं कढ़ाइयों का आपका चैप्टर चल रहा था, इसमें आपका मैं चैप्टर या पार्ट 4 लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं इसमें आपको बताऊँगी कि जो बनारस की ब्रोकेट की जो साड़ियाँ होती हैं वो कितनी फेमस हैं, कितने प्रकार की होती हैं और क्या कौन कौन से धागों का प्रयोग किया जाता है और कौन से कपड़े बनाए जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा है इसमें बनारस की ब्रोकेट साड़ियाँ। तो जो बनारस की जो ब्रोकेट साड़ियाँ होती हैं, इनको हम क्या ब्रोकेट की साड़ियों को हम किम ख्वाब के नाम से जानते हैं और ये लगभग 3000 साल पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसमें मुख्य रूप से दोस्तों सिल्क एवं जरी की जो कपड़े होते हैं वो बनाने के लिए काम में लाया जाता है। कौन कौन से? सिल्क एवं जरी के कपड़े बनाते हैं और इसमें मोस्टली जो यार्न का प्रयोग करते हैं वो मोस्टली गोल्ड और सिल्वर और इसके साथ साथ जो सिल्क के धागे होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अभी हमारे जो बनारस यानी उत्तर प्रदेश की जो बनारस नामक जो शहर है उसमें जो साड़ियाँ बनती हैं उस साड़ियाँ का नाम है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, उसका नाम क्या है दोस्तों? काला बतून। क्या है? काला बतून। ये बहुत ही फाइन, बहुत ही डेकोरेटिव और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है ये बनारस की काला बतून साड़ियाँ। तो ये हमारी कितने कौन सी प्रसिद्ध बनारस की साड़ी होती है। अब चलते हैं कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं किसके? ब्रोकेट के, जो आपके एग्जाम एनटेक एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, इसलिए इससे रिलेटेड मैं लेकर के आपके लिए आई हूँ। तो इसमें मुख्य रूप से हमने 6 प्रकार के ये ब्रोकेट के जो फैब्रिक होते हैं वो होते हैं। इसमें देखिए पहला हमने लिखा है टैस। क्या है दोस्तों? टैस। ये जो टैस होता है ये ब्रोकेट में सबसे महंगा होता है, सबसे महंगा होता है, सबसे फाइन होता है और सबसे हैवी होता है। क्यों दोस्तों? इसमें मोस्टली गोल्ड और सिल्वर के धागे, गोल्ड और सिल्वर के जो धागे होते हैं उन्हीं से पूरे पूरे कपड़े को कर मतलब बनाया जाता है। तो इनको एक टैस के नाम, टैस का मतलब जान लीजिएगा गोल्ड से बने हुए कपड़े या सिल्वर से बने हुए कपड़े को हम टैस कहते हैं और वो कपड़े कौन से होते हैं? ब्रोकेट के होते हैं। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे आता है किम खॉब। किम खॉब ये भी आपके ब्रोकेट के टाइप्स हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर के धागों का प्रयोग करके बनाया जाता है और ये भी बहुत ही फाइन होते हैं, लेकिन इससे निम्न क्वालिटी का किम खॉब होता है। अब चलते हैं क्वालिटी के अनुसार तीसरे पे आता है हमारा वफ्त। वफ्त क्या होता है? ये पॉट थान्स के नाम से जानते हैं। इसमें मोस्टली गोल्ड और सिल्वर के धागों का प्रयोग करके बनाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है नेक्स्ट? हिमरस। देखिए जो ये नाम दिया गया है इसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता करके इसकी डिज़ाइन बनाई जाती है और उसी के नाम से वो उसकी गुड़ों के नाम से वो जाना जाता है। अब देखिए हिमरस जो होता है ये मोस्टली कॉटन और उलन, यानी कॉटन का यार्न और उलन का यार्न, कॉटन के धागे और उलन के धागों से मिला करके जो कपड़े बनते हैं उनको हम हिमरस कहते हैं। ये भी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। नेक्स्ट हमारा है मशरू। क्या था दोस्तों? मशरू। ये जो मशरू होता है इसमें मोस्टली कॉटन और सिल्क के, देखिए इसमें क्या था हिमरस में? कॉटन और ऊन का मिला जाता है। किसका? कॉटन और ऊन से बनाते हैं, जबकि जो मशरू होता है इसमें कॉटन और सिल्क के धागों से मिला करके कपड़े बनते हैं। इसमें गोल्ड और सिल्वर के भी धागे थोड़े थोड़े प्रयोग किए जाते हैं और ये मशरू को परमिटेड फैब्रिक भी के नाम से भी जानते हैं। परमिटेड का मतलब क्योंकि इसमें कॉटन और सिल्क को मिला करके बनाया जाता है। और एक इसमें लास्ट बचा है जिसको हम बोलते हैं अमरस। क्या है दोस्तों? अमरस। इसको याद कर लीजिएगा, ये जो अमरस होता है ये अमरस एक ऐसा ब्रोकेट होता है जिसमें सबसे लिटिल फैब्रिक होता है। लिटिल का मतलब लाइट, हल्का, और ये एक ऐसा ही ये ब्रोकेट होता है जिसमें
जो गोल्ड और सिल्वर के जो थ्रेड होते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं उनका प्रयोग इसमें नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत ही हल्का होता है। तो ये है दोस्तों, हमने आपको इसमें बताने की कोशिश की कि ब्रोकेट कितने प्रकार के फैब्रिक बनाए जाते हैं, कौन से धागों का प्रयोग करते हैं और इसमें कौन कौन से कपड़े बनाते हैं, कब इसकी शुरुआत हुई, तो ये हमने आपको बताया। इसमें आप नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम चाहे वो नेट के हों, TGT के हों, QGT के हों, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लिए अभी इसमें एक और बचा है उसको भी मैं आपके समझ लेकर के इस जो परंपरागत वस्त्र है ये आपका चैप्टर पूरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपके समझ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। मेरी वीडियो आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए और हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।